दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम अपना आधार नंबर कैसे वेरीफाई करेंगे। आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, तो आज के वीडियो का वही टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल ले लेंगे और मोबाइल में आप सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के लिए यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारा क्रोम ओपन हो गया है। क्रोम ओपन होने के बाद गूगल के सर्च बॉक्स में UIDAI टाइप कर सर्च करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे UIDAI है मेरा, तो मैंने सर्च कर दिया। उसके बाद से जो पहला आपको लिंक दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप UIDAI के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। तो उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आधार सर्विस में आपको वेरीफाई एंड आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको इंटर आधार नंबर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे और उसके बाद से जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार। यहाँ पे प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे ऊपर आपको आधार नंबर शो होगा और यहाँ पे आपका शो होगा कि आधार वेरीफिकेशन कम्प्लीटेड, मतलब जो आधार का वेरीफिकेशन है वो कम्प्लीट हो गया है। और यहाँ पे आपका एज शो हो जाएगा और यहाँ पे जेंडर शो हो जाएगा और यहाँ पे स्टेट शो हो जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपना जो आधार नंबर है उसको आसानी के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, किसी भी डिवाइस से आप अपना आधार नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।